मैगी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, उतनी ही मैगी बनाना आसान होता है। इसे ठंड का मौसम हो या बारिश हो या शाम को में जब बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगती है तो मन में बस इंस्टेंट मैगी बनाने का ख्याल आता है। बस इसे फटाफट बनाया और बच्चों को दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीता और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मसाला मैगी, जिसे बच्चे बहुत ही खाना पसंद करते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पहले से ही तैयारियाँ कर ली है मैगी मसाला बनाने के लिए। ये देखिए, हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम बटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल घी कुछ भी यूज कर सकती है। तो डालेंगे बटर हमारा पिघल चुका है। अब हम डालेंगे अपना बड़ी कटा हुआ प्याज। अब इसको एक दो सेकेंड हम भूजेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पिंक कलर तक सौते करेंगे। देखिए, हमारा प्याज थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो चुका है और फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। डालेंगे ग्रीन चिली। मिक्स करेंगे और साथ में हम ये फ्रीजर मटर यूज कर रहे हैं, तो भी ऐड कर लेंगे और इनको भी हम हल्का सा भूनेंगे। अब डालेंगे कटा हुआ शिमला मिर्च। अब जाएगा हमारा कटा हुआ टमाटर। इन सारी सब्जियों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो और कुछ भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। अब इसी के साथ जाएगा थोड़ा सा हमारा टेस्ट के अनुसार नमक। जिससे हमारे मसाले जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे हम धनिया पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाला ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या ना डालें तभी चलेगा। डालेंगे ये मैगी मसाला जो पैकेट के साथ मिलता है। दोनों पाउच में डाल लें। थोड़ा सा हम 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। जिससे ये मसाला जो चिपके हुआ है अच्छे से टूट जाएगा और हमारे मसाला अच्छे से पक जाएंगे।
मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। अब हम एक गिलास पानी डालेंगे। अब इसको एक बाउल आने तक हम बॉईल करेंगे। हमारा मसाला रेडी है। अब हम डालेंगे अपने नूडल्स। ये मैंने 10 रुपए वाली पैकेट वाले लिए हैं। हम ऐड करेंगे। मैगी बनाना बहुत ही इजी है और बच्चों को तो खाना बहुत ही पसंद है। उसे जब मर्जी है तब बना के खा सकते हैं। अब इसे हम 15 से 20 सेकंड के लिए पकाएंगे। अब इसे हल्के हाथों से हम पकाएंगे। 10 मिनट के लिए ये फटाफट तैयार हो जाती है। चलिए इसको हम पकने देते हैं। कवर कर देंगे और इसे हम पकने देते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी मैगी बनकर रेडी है। अब इसको हम धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। चलिए इसे हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है और कितनी जल्दी पक जाती है हमारी मैगी मसाला। इसी तरह आप भी बनाइए। अब इसे हम चीज के साथ गार्निश कर लेंगे। लग रही है ना कितनी सुंदर। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है, इसी तरह से बनाइए। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।